फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती दक्ष किचन रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, जो कि सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आलू के पराठे बनाना। तो चलिए देखते हैं हमें आलू का पराठा बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। आलू पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप आटा, घी आटा लगाने के लिए और पराठे बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के आलू जिनको मैंने उबाल के छील लिया है, बारीक कटा हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 हरी मिर्च जिनको मैंने बारीक काट लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। आटे में 1/2 चम्मच नमक मिलाएंगे और 1 चम्मच घी मिला देंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटे को लगाएंगे। आटे को हमें अच्छे से गूंदना है, ना आटा ज्यादा नरम होना चाहिए और ना ही ज्यादा सख्त होना चाहिए। तो यहाँ हमारा आटा लग के तैयार है। अब इस पे हम थोड़ा सा पानी लगा के इसको 10 मिनट के लिए रख के छोड़ देंगे, जिससे आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम अपना आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब हम सभी मसालों को आलू में मिला देंगे, नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अदरक का पेस्ट, अमचूर पाउडर और धनिया पत्ता। इन सभी मसालों को इसमें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ हमें आलू में मसालों को मिक्स करना है, पूरी तरह से मैश नहीं करना। तो अब हम आटे को चेक कर लेंगे। आटे पे थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो आटा हमारा पूरी तरह से तैयार है। तो चलिए आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। जब तक हमारा तवा गर्म होता है तब तक हम आटे की लोई बना के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आटे की लोई बना देंगे। तो ये लोई बन के तैयार है। अब इसको हम सूखे आटे में लगा लेंगे और इसको साइड से प्रेस करेंगे, बीच से हमें प्रेस नहीं करना है, साइड से पतला होगा और बीच से थोड़ा मोटा होगा, साइड से हमें प्रेस करना है। अब इसमें हम स्टफिंग भर देंगे आलू के पराठे के लिए। अब इसको हाथ से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे धीरे धीरे। अब इसको सूखे आटे में फिर से लगा देंगे और फिर सूखे आटे में ही हम इसको प्रेस करेंगे। तो लोई को अब हम सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। हमें इसको साइड से बेलना है, बीच से नहीं बेलना, नहीं तो
आलू बाहर निकल के पराठा फट सकता है। तो यहाँ तवा हमारा गर्म हो गया है, अब हम पराठे को दोनों साइड से सेक लेंगे। अब इसको हम दूसरी साइड पलट देंगे और अब इस पे एक साइड पे हम घी लगाएंगे। अब दूसरी साइड से भी पराठा हल्का सिक चुका होगा, अब दूसरी साइड पराठे को पलट देंगे। दूसरी साइड भी इस पे घी लगा देंगे। जहां से पराठा नहीं सिका है वहां से अच्छे से प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारा पराठा अच्छे से पूरी तरह से सिक जाए। दूसरी साइड से भी चेक कर लेंगे। तो हमारा पराठा अब बन के तैयार है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे बनके तैयार है। आप इसे दही, चटनी, अचार और सब्जी के साथ गर्मा गर्म परोसिए। तो आपको आलू के पराठे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आलू के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं आपको न्यू रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए और आलू के पराठे की रेसिपी घर पर ही एंजॉय कीजिए।